दोस्तों अब इस वीडियो में जानेंगे कि काजू खाने से क्या लाभ होता है और काजू खाने से क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों शायद ऐसा कोई हो जिसे काजू या इससे बनी चीजें पसंद ना हो, क्योंकि काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। इतना ही नहीं, काजू को बहुत से व्यंजन में सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं कि काजू में प्रोटीन, खनिज, आयरन, फाइबर, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन के गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह की परेशानियों से बचाने में मदद करते हैं। काजू को डायबिटीज रोगी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी दूर होती है, कैंसर से बचाव भी करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी की दिक्कत को भी दूर कर देता है, हड्डी को मजबूत बनाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है और ऐसे ही कई फायदे भी देता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि काजू खाने से क्या क्या समस्याएं दूर होती हैं। पहला, थकान दूर करने में होता है सहायक। काजू थकान को दूर करने में सहायता करता है। आजकल लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, दिन भर काम करते हैं और किसी के पास आराम करने का समय भी नहीं होता है। ऐसे में काजू का उपयोग बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। दिन भर काम करने से शरीर में थकावट और आलस आ जाता है। और आपको बता दूं कि अगर आप रोजाना 2 से 4 काजू का सेवन करेंगे तो आप थकावट, शारीरिक दिक्कत इत्यादि से दूर रहेंगे। दूसरा फायदा, दोस्तों ब्लड प्रेशर की दिक्कत हृदय रोगों को जन्म देती है, जो जानलेवा भी साबित होते हैं। इसलिए इस प्रकार के हृदय रोगों से बचे रहने के लिए आप काजू का सेवन करें, क्योंकि इसमें हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति को कम करने का गुण भी पाया जाता है। आप चाहें तो इसका सेवन सुबह नाश्ते के बाद या फिर रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। दोस्तों आप इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हेल्थ वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तीसरा फायदा, कैंसर से करता है बचाव। रोजाना काजू खाने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि काजू में अनारकार्डिक एसिड होते हैं। इसकी वजह से यह कैंसर से लड़ने में मदद करता है। काजू में अनारकार्डिक एसिड होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कैंसर को फैलने से रोक भी देता है। चौथा फायदा, मस्तिष्क को बनाता है स्वस्थ। दोस्तों काजू में जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन ई की मात्रा होती है, जो मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं। इसका सेवन मेमोरी को बढ़ावा देता है, मानसिक स्थिति को सुधारता है और दिमाग की क्षमता को बढ़ा भी देता है। पांचवा फायदा, अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो इससे निजात पाने के लिए आप काजू को दूध में भिगो कर खाएं। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसकी वजह से कब्ज की समस्या भी दूर होती है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या से आप दूर रहेंगे। इसके लिए दूध में काजू को भिगोकर रख दें और अगली सुबह काजू का सेवन करें। इससे बहुत ही जल्द कब्ज, गैस, एसिडिटी से आराम मिलेगा। छठा फायदा, हड्डियों को बनाता है मजबूत। दोस्तों काजू खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि काजू में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे मिनरल होते हैं, जो हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये मिनरल हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाते भी हैं। इसलिए अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोजाना काजू का सेवन शुरू कर दें। सातवां फायदा, दिल की सेहत को रखता है दुरुस्त। काजू मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं, जो स्वास्थ्य लाभ देते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा काजू में अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी होता है, जो हृदय की कार्यप्रणाली में मदद करता है। आठवां फायदा, बालों से जुड़ी हुई किसी भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो काजू का सेवन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। दरअसल काजू में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और जिंक जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों के लिए अति आवश्यक तत्व होते हैं। यही वजह है कि काजू का सेवन करने से बाल मजबूत, लंबे, घने भी होते हैं और इससे आपको स्वस्थ घने बाल भी मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं कि काजू खाने से क्या नुकसान होता है। दोस्तों शरीर में सोडियम की लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों वैसे तो आपको काजू खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में काजू का सेवन कर लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे सोडियम लेवल बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, फाइबर अधिक शरीर में जाने से गैस, ब्लोटिंग आदि की समस्या भी हो सकती है, पोटेशियम लेवल अधिक बढ़ने से किडनी स्टोन का भी खतरा बन सकता है। ऐसे में काजू का सेवन प्रतिदिन सिर्फ 4 से 5 ही करें, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे की सुरक्षित जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।